नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश श्रीकंठे। आज सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है 23 जनवरी। 23 जनवरी बोले तो कटक जिले में उनका जन्म हुआ। कटक जिले में जन्म हुआ, उस टाइम पर उड़ीसा डिवीजन करके प्रसिद्ध था। उड़ीसा डिवीजन में आप सुभाष चंद्र जी बोस बहुत ही तकलीफ में, उस टाइम उनके पिताजी वकील पेशावर थे। उन्होंने 10वीं के बाद अपने BA में ऑनर्स में पदवी प्राप्त की। बाद में वो IAS बनने के लिए विदेश में चले गए। विदेश में बनने के बाद उन्होंने नौकरी न करने का निर्णय लिया। उस टाइम उनको 33 से 36 में मुसोलिन नामक के नेता मिले, जिनके कारण वो प्रेरित हुए। फिर उन्होंने बॉम्बे में जब आए तो 1000 लोग उनको मिलने देखने आए, ये कौन सा लड़का है कि आज जो नौकरी नहीं करना चाहिए। जब उस टाइम पर भारत का पहला व्यक्ति था जो IAS अधिकारी पास हुआ था, ऐसे व्यक्ति को मिलने आए। उन्होंने बोला अगर मैंने ये निर्णय लिया तो 1000 लोग मेरे को मिलने आए, अगर इनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ मेरा जीवन सार्थ होगा। और इस कारण उन्होंने अच्छा दुनिया भर में अपना काम नाम 20 से लेके 1940 तक उन्होंने देश में सचिव सत्ता थी, कांग्रेस सत्ता थी, स्थापन थी, बक्षता देश के सबसे बड़ी पार्टी थी, उस पार्टी के वो अध्यक्ष भी बने। बाद में महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने 39 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, पक्ष की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ साथ उन्होंने प्रचार प्रचार किया, मगर उनके उनके विचार वो महात्मा गांधी के विचार मिल रहे नहीं थे। इसलिए उन्होंने उनको महात्मा गांधी जी की चर्चा होने के बाद उन्होंने अपने विचार नहीं छोड़े, उनको कांग्रेस पक्ष से निकाल दिया। बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रचार प्रचार किया। जब उनको मद्रास में रहते हुए उनको पता चल गया कि दूसरा महायुद्ध होने वाला है, उन्होंने उसी चीज का फायदा उठाया। उसी वक्त उन्होंने सोच लिया कि हमको आज जब आज़ादी चाहिए तो आज जैसे सुवर्ण मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने अच्छा सुवर्ण मौका लेने के लिए अच्छा मेहनत किया और दिल से वो फिर उन्होंने वो स्तंभ था जो हम गुलामगिरी का स्तंभ था वो तोड़ डाला। और उनके साथी उस टाइम पर जेल में चले गए, वो भी चले गए। उनको जेल में होने के बाद उनको पता चल गया कि अभी हम उन्होंने अमानव उपोषण चालू किया। अमानव उपोषण इतना जबरदस्त था उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर कांग्रेस सरकार ने उनको छोड़ दिया, घर में नजरकैद कर दिया। आजू बाजू पुलिस, घर में पुलिस सब रख दिए। उनके दहम में आया अगर मैं यहाँ से अगर निकलता नहीं तो मेरे को सचमुच अंग्रेज सरकार जेल में डालेंगे, नहीं तो मेरे को मार डालेंगी। दो चीजें थी, फिर उन्होंने निर्णय ले लिया। उस टाइम पर उसने अपनी माँ को भी बताया नहीं, भतीजे को बताया था बेटा तेरे को गाड़ी चलाना है और बहुत दूर तक चलाना है। ये गाड़ी चलाने के लिए वो उन्होंने भतीजे को प्रैक्टिस कर किया होगा, उस टाइम पता नहीं वो क्या हो। रात के एक दिन उपवास करते हुए 2-4 दिन गए होंगे, गायब ऐसे गायब हो गए कि पता नहीं लगा। वहाँ छत्तीसगढ़ का जो जिला है वहाँ से फिर छत्तीसगढ़ से लेके वो ट्रेन से निकल गए। वहाँ से काबुल से हुए, 51 दिन काबुल में रहे। उनको पास वीजा नहीं मिलता था, कोई अंग्रेज इटली कोई सब उसको कोई सरकार मदद नहीं करती थी। उनको इतनी परेशान हो गए, उनके साथ जो जमाया और अपने एम्बेसडर से मिले और वापस निकल गए, वहाँ से निकल गए। और ऐसे करते वो अपने दिन निकलते गए और उन आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना की। सिंगापुर में उन्होंने अपना भाषण रेडियो सिंगर करके रेडियो पर अपना भाषण दिया और सिंगापुर में स्वच्छ उसको अध्यक्ष बनाया गया। बाद में वो आज़ाद हिंद सेना के सर्वोच्च सेनापति बने, मतलब आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। और वहाँ वो बैठने को रहने लगे, वहाँ से उन्होंने युद्ध चल गया, अच्छा यशस्वी हुए। मगर ब्रिटिश हमारे उन पर हावी हुए, फिर उन्होंने आप पीछे ली और हमारे सैनिक अभी मरना नहीं चाहिए। उस टाइम पर एक रानी लक्ष्मीबाई बटालियन थी, बटालियन के साथ वो कई किलोमीटर पैदल गए और बारिश का टाइम आया तो उन्होंने डोरी लगा के उनको बाहर निकाला, उनके साथ रहे। मेरी देश की नारी, मैं उनके साथ रहूँ, ये भी तब उनका देखने को मिला। तब जब बाकी देशों के सभी लोग रहते कि उनको वहाँ से निकालने के लिए, मगर उन्होंने छोड़ के बाकी नहीं सैनिक के साथ रहे। सभी सैनिक को पैसे दिए और सभी को बड़ा बांट के अपने अपने एरिया में घर में भेज दिया, क्योंकि उनको पता था मेरे सैनिक मरना नहीं चाहिए। और उन्होंने बाद में बोला मैं आऊँगा और देश को स्वतंत्र करने के लिए कोशिश करूँगा। फिर वहाँ से उनका प्लेन क्रैश हुआ ऐसा बोला जाता है, मगर उनके घर के लोग बोलते प्लेन क्रैश नहीं हुआ। आज यही नारा उनका प्रसिद्ध हुआ, जय हिंद नारा राष्ट्रीय नारा बन गया। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। ऐसे पुषा तज्ञ और सभी लोग उसको मानने लगे। इस कारण सुभाष चंद्र बोस के कारण 1000 लोग मानने लगे
और देश को स्वतंत्र मिलने के लिए सबसे बड़ी ताकत रही वो सुभाष चंद्र बोस की। मेरा कहना है कि सुभाष चंद्र बोस नहीं रहते देश को और 10 साल लगते 15 साल लगते पता नहीं, मगर टाइम लगता है। सुभाष चंद्र बोस के कारण देश को स्वतंत्रता मिली, सुभाष चंद्र बोस के कारण सैनिकों में उद्रेक तैयार हुआ, वो आत्मबल अपनी शक्ति तैयार हुई और उन्होंने हर अंग सरकार को भगाने की कोशिश किया, यही था और देश स्वतंत्र हुआ। मगर गांधी जी उनका आदर करते थे, वो गांधी जी का आदर करते थे और विचार अलग अलग हो सकते है मगर दृष्टिकोण एक ही था। विचार है थे आदमी है वो झालवादी थे, गांधी जी माओवादी थे, ऐसा उन कुछ टाइम पर प्रचार था। मगर गांधी जी और उनके एक में क्या आधार, उन्होंने गांधी जी ने उन्होंने गांधी जी को महात्मा करके संबोधित किया है, गांधी ने उनको नेताजी करके संबोधित किया है, यही बड़ी बात है। आज हम लोग सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नेता हमारे पास नहीं है, मगर आज के नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में लाल किले पर झंडा फहराया, 2021 में पराक्रम दिन करके घोषित किया, यही आज इनकी याद रह रहे हैं। और ऐसी आज बहुत बड़ी जबरदस्त स्वर्ण जयंती 125 साल हुए और यही 25 साल के जीवन में आज मैं आपके सामने ये चीज़ बताई है। ओके, जय हिंद, जय भारत।